आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। जनपद संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र के ग्राम अड़ोल में दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। विवाद की सूचना पाकर थाना हयातनगर प्रभारी भारी मात्रा में पुलिस दल बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए और दोनों समुदाय के लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना हयातनगर क्षेत्र के ग्राम अड़ोल में एक समुदाय के परिवार में मंदिर के लिए कुछ गज का प्लाट दान में दिया था, जिस पर चबूतरा पहले से ही मौजूद था। उस प्लाट की दान देने वाले समुदाय के लोगों ने दो तरफ की 3 फीट दीवार बना ली। उसी के बराबर में दूसरे समुदाय के लोग मौलवी साहब के रहने के लिए मकान बनाने के लिए दीवार बना रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद हो गया। देखिए जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? रामधुन जी। कहाँ के निवासी? क्या मामला है ये? कम से कम जगह थी, थोड़ी सी जगह है ये, इसमें 10-15 शरीक हैं। ये बांट रहे थे तो थोड़ी थोड़ी आ रही, तो किसी के मतलब की ना थी जी। इन लोगों ने सोचा कि इसमें ऐसा एक पेड़ भी लगा हुआ है, कल का ठंड का रास्ते के किनारे की जगह है, सारे लोग ठंड में बैठते हैं, उनकी ये मट्टी फिट्टी घास पास जम जाती है, इस पर ईट लगा कर इसमें फर्श कर दो तो इसमें घास फास ना जमेगी और सफाई रहेगी। और इन लोगों ने सोचा कि ये मंदिर वंदिर बना रहा है और मंदिर का तो ये नमूना ना दिख रहा, कोई हो तो सही है ऐसा। उन्होंने अपना काम चालू कर दिया मंदिर वाले। अच्छा, उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया? चालू कर दिया उन्होंने मस्जिद बनानी शुरू कर दी। आप पीछे इसमें घपला हो चुका है? अच्छा, पीछे कितने समय पहले? ये तो चल रहा है 20 साल से। अच्छा, मतलब मेन मुद्दा इन्होंने ये बना रखा, मतलब कह देते हैं आप बना रहे हैं मंदिर और वो कह देते हैं हम बनाएंगे, यानी कि वो क्या नाम मस्जिद। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या हुआ वो आज इन्होंने बाउंड्रीज की सही कर रहे थे तो उन्होंने अपना काम चालू कर दिया जी। तो इसमें किसी को भी बताया कि साहब वो मंदिर बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। अच्छा, हयातनगर पुलिस आई थी? आई। अच्छा, कितनों को गिरफ्तार करके ले गए? ये तो मैं बगल कौन कौन गए लोगों को बताओ। अच्छा, 3 लोगों को ले गए? हाँ, ये बता रहे हैं। अच्छा ठीक, धन्यवाद। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद हसन है। कहाँ के निवासी? ग्राम अड़ोल के रहने वाले जी। आज ये मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद हुआ है, इसका क्या है पूरा मामला? मस्जिद का ये है सर के इनकी जो वो है मंदिर की जगह, तो इन्होंने 2 दिन से नहीं भर रही है, तो हम लोगों को पता पड़ा कि ये नहीं भर रहे हैं। जब इन्होंने इतला ना करी थाने में तो हम क्यों करें इतला? ऐसे मत, इन्होंने हम लोगों ने सोचा ये, और सोचने के बाद अब ये जो है जो भूरे नाम है भूरे, ये बता रहे हैं कि ये जगह हमारी है, लेकिन असल में भूरे की जगह वो नहीं है। अगर भूरे की जमीन होती चलो वो अब 4 दिन से थी या 10 दिन से ही, तो वो भैंसा मान रहे थे, वो ये अपनी समझ रहे थे कि हमारी हमारी है ये चीज, और वो जगह उनकी थी नहीं, बस इसको लेकर विवाद है। अच्छा, पुलिस को सूचना किसने दी? सर इन लोगों ने दी। अच्छा, उन्होंने मंदिर की तरफ से दी गई? मंदिर की तरफ से। अच्छा, पुलिस आने के बाद कितने लोगों को गिरफ्तार करके ले गई? सर तकरीबन 4 या 5 हम लोगों को ले गई, और एक उनकी तरफ से। अच्छा, एक उनकी तरफ से जी। आपकी तरफ से कितने ले गई? तकरीबन 4 या 5। अच्छा, 4 या 5 जी। अच्छा, हमने रात उनसे प्रधान जी से इतला करी थी, तो उन्होंने ये बोला कि जब उन्होंने सलाह ना ली तो तुम भी सलाह मत लो। अच्छा, वो मंदिर की जो जगह है वो कितने समय से है? सर वो 1980 से है। अच्छा, और ये मस्जिद की जगह जो इस टाइम बनी मस्जिद है जी, ये कब से है? सर ये भी 1980 से है। अच्छा, दोनों ही एक साथ ही साथ ही वो है, लेकिन विवाद ये है कि तुम मंदिर मत बनाओ हम मस्जिद बनाओ, ये विवाद है, इसलिए गांव बर्बाद है सर। बाकी इसके अलावा कोई नहीं? कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं हमारे गांव में, और कोई विवाद है ही नहीं। ठीक, ना हिंदुओं में लड़ाई होती है ना मुसलमानों में लड़ाई होती है, लड़ाई असली तो होती है तो ये हिंदू मतलब मंदिर मस्जिद के पीछे होती है। ठीक ठीक, बस ये हमारा। धन्यवाद कल जी। आपका शुभ नाम क्या है? राम सिंह जी। कहाँ के निवासी हैं? अड़ोल जी। आपका थाना कौन सा लगता है? जी, आज जो ये दीवारें बन रही थी इसका क्या है पूरा मामला? ये हमारे बड़े बुजुर्ग की बैठक ही जी, पुरानी जी। हाँ, उसकी मट्टी एक साथ कर रहे हैं, मट्टी एक साथ करके बैठने उठने को, ऐसे मतलब कोई आदमी आ बैठा अजनबी है, वैसे कोई आदमी आ जाए ठंड पंड में पेड़ ठंड का जी। हाँ, इसलिए जो मट्टी एक साथ करके मतलब मट्टी एक साथ कर रहे हैं जी। हाँ, अच्छा फिर क्या हुआ? फिर भाई इन लोगों ने मोमडन लोगों ने मतलब इतना उठाया, मतलब पल्ला अपनी मस्जिद में लगा लिया।
जी हाँ। अच्छा, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है साहब, मतलब ये लोग मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बंदर था, जब पब्लिक को दिख रहा है मंदिर नहीं बनने आए हैं, यहाँ तो चबूतरा है हमारे, मतलब बड़े बूढ़ों का बैठक है। अच्छा, ये चबूतरा है बड़े बूढ़ों का। हाँ, और बैठक के आधार पर बनाया जा रहा था बैठक के ना, मतलब मिट्टी से कहा बैठक के था। हाँ, बैठक ही तो हो गई, जैसे पंचायत घर हो जाता है इस तरह से बनाया जा रहा था, लेकिन मोमडन जो थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, मस्जिद बनाना शुरू कर दी। अच्छा, उन्होंने मस्जिद शुरू कर दी। हाँ, अच्छा, और उनका ये भी कहना है मतलब आप मंदिर बना रहे हो। अच्छा अच्छा, उनका नाम क्या क्या थे? ये तो बाय थे, बाय नाम शायद शायद जी, एक बबलू जी, एक शायद बबलू, एक इदरीस जी, और एक इमरान जी, इमरान बता दो, एक जमीन, वहाँ जमीन जी। सब कितने लोग हो गए? पंद्रह लोग हैं, आठ नौ तो मतलब मौके पे पकड़े आ गए। अच्छा, पुलिस कितनों को ले गए गिरफ्तार करके? तीन गिरफ्तार करके ले गए। अच्छा, पुलिस आई थी, कोतवाल साहब भी आए थे, कोतवाल साहब भी आए थे। अच्छा, तीन को ले गए? तीन उन्हें ले गए, मतलब जिनकी जगह ही हम करेंगे। अच्छा, ले गए। अच्छा, एक उनकी तरफ से चला गया। हाँ, तीन वो लोग चले गए। अच्छा, ठीक। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमसुल है जी। कहाँ के निवासी हैं? यही गांव वालों के। आपका थाना कौन सा लगता है? हयात में जी। ये मंदिर और मस्जिद को लेकर क्या है इसका पूरा मामला? सर, वो अपनी मस्जिद, उसकी मंदिर की दीवार बना रहा है इन्होंने, मतलब हुजरा बनाया इमाम साहब का जी। जी, फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम पता नहीं था किसने रजाबंदी से हुआ ये काम, या मतलब अगर रजाबंदी से हुआ है, बहरहाल पुलिस आ गई है, काम रुक गया, उनका भी रुक गया, उनका भी रुक गया। अच्छा, दोनों तरफ का काम रुक गया? रुक गया। अच्छा, पुलिस आने के बाद में किसी को लेकर गई है या नहीं? लेकर गई। गए? हाँ, लेकर गई। कितने लोगों को गिरफ्तार करके ले गई? भाई, ये तो पांच को बता रहा है। अच्छा, आए। अच्छा, आपकी तरफ से कितने हैं? पांच हैं। और उधर से कितने हैं? तीन उधर से तीन बता रहा है। मैं तो हाँ नहीं था। खैर,